फुजीफिल्म ने अपना नया फोर्थ जेनरेशन मिररलेस कैमरा भारत में लॉन्च किया है, द फुजीफिल्म X-T3। आपको दिखाएंगे फर्स्ट लुक इसकी और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिर्फ टेक तक पर। फुजीफिल्म ने अपना नया कैमरा X-T3 भारत में लॉन्च किया है। ये एक मिररलेस कैमरा है जो फुजीफिल्म ने लॉन्च किया है। आपको बता दें कि X-T3 की कीमत रखी गई है सिर्फ बॉडी की 1,17,999 रुपये। वही 18-55 mm लेंस किट के साथ इसकी प्राइस है 1,50,000 रुपये और X-T3 एक्सेसरी यानी बैटरी ग्रिप आती है 25,999 रुपये में। ये आप दो रंगों में खरीद सकते हैं, ब्लैक और सिल्वर। फुजीफिल्म X-T3 कॉम्पैक्ट मिरलेस कैमरा आता है डेवलप्ड back-illuminated 26.1 megapixel X-Trans CMOS 4 सेंसर के साथ, और साथ में इसमें एक्स प्रोसेसर 4 इमेज प्रोसेसिंग इंजन भी दिया गया है। फुजी क्लेम कर रही है कि ये कैमरा केपेबल है 4K रिकॉर्डिंग एट 60 frames per second में, जहां 10-bit वीडियो कैप्चर होता है। वही ISO सेंसिटिविटी है 160। लो लाइट ऑटोफोकस लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं आप 1EV to 3EV तक, टू लेट द कैमरा यूज फेस डिटेक्शन AF इन लो लाइट कंडीशन। वही ISO रेंज है 160 से 12,800 है, पर आप एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रॉम 80 टू 5,1200 तक। कैमरा में है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाउंडर और डिस्प्ले अब टच को भी सपोर्ट करता है, जो कि टैप टू फोकस में काम आता है जब आप शॉट्स बना रहे हो। साथ ही इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ है और 2 UHS-II स्लॉट्स दे दिए गए हैं। X-T3 फीचर करता है हाई रेजोल्यूशन 3.69 मिलियन डॉट इवॉल्व्ड इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर विद अ हाई मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ 0.75। इसमें स्पोर्ट्स व्यू फाइंडर मोड है, जिसमें कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वहीं X-T3 कैप्चर करता है इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट इन द एरिया इक्विवेलेंट टू 16.6 मेगापिक्सल मार्क्ड इन द व्यू फाइंडर। फुजीफिल्म X-T3 फीचर करता है प्री शूट फंक्शन भी, जो कि पहली बार इस कैमरा में दिया गया है, जिसमें कि कैमरा शूटिंग स्टार्ट करने से पहले ही सीन में जब आप शटर को दबाएंगे और हाफ प्रेस करेंगे तो वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, और शटर बटन फुली प्रेस्ड करने तक फिर खत्म होता है। तो ये है फुजीफिल्म का X-T3 कैमरा, जो कि मिररलेस कैमरा है और फोर्थ जनरेशन है। आपको दिखाए हमने इसके फर्स्ट लुक और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इस कैमरा के बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।